अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं निश्तर फार्म्स इस्लामाबाद में और स्ट्रॉबेरी जो है वो क्लोजिंग के मराहिल में है, तो इसलिए मैं आ गया इधर। और जो ज़्यादा ज़रूरत थी जिस चीज़ की या जो मुझे ख्वाहिश थी वो ये थी कि मेरी जो नवासी है मायरा वो खुद पिकिंग करे और स्ट्रॉबेरी जो है वो खाए। तो थोड़ी देर में हम लोग पिकिंग भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। एक्चुअली इस फार्म हाउस के साथ सीन क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये अगर नीचे देखें, ये आपको ये मल्चिंग शीट है, ये वाली, और इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो है वो मिट्टी भी आपको नज़र आ रही है। हुआ कुछ इस तरह कि चंद माह पहले यहाँ एक थंडरस्टॉर्म हुआ, हेल जालाबारी हुई। उस जालाबारी की वजह से जो है ना ये पौधे भी डैमेज हो गए बहुत बुरी तरीके से। तो फिर कह लें कि उस तरह की तवज्जो, ज़री बात है, जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ इस तरह की बात हो जाए तो दिल थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता बंदा हो जाता है, तवज्जो नहीं देता। लेकिन तवज्जो ना देना जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ बन गई। वो कैसे बनी? वो ऐसे बनी जनाब अली कि इन्होंने कोई स्प्रे नहीं किया इसके ऊपर, किसी किस्म की खादें नहीं डाली, ऐसे ही छोड़ दिया। इनके जहन में ये था कि यार बस छोड़ें, जो होना था हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने रिवार्ड दिया वो इस तरह कि इसके ऊपर जो है वो जितना भी फ्रूट आया वो सारे का सारा ऑर्गेनिक मुकम्मल तौर पर। एक तो बारिशों का पानी, फिर ड्रिप इरीगेशन इसका पानी, और माशाल्लाह इस्लामाबाद की खूबसूरत आबो हवा, इस वजह से जो है ये ग्रो कर गई और बहुत तेज़ी से इसने ग्रो किया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये कितना बड़ा साइज़ है इसका। लुक एट दैट ब्यूटीफुल, ये देखें आप, इसको मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये जी बग़ैर खाद के है, बग़ैर केमिकल के है। और जब आप इसको खाद वगैरह देते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाया करती है, लेकिन जायका जो है वो नहीं रहता जो इसका जायका है। इसका कैसा जायका है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। माशाल्लाह, ये वाला भी उतारो, ये वाला भी, ये उतारो जी, उतारो जी, बिस्मिल्लाह। ये वाह जी वाह, ये देखो जी, ठहरो, बास्केट दो जी, हमें बास्केट में डालेंगे। चलो 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 चलो। ये वाह, चले 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 चले, इधर से चलें जी। क्या है ये? वाह, ये देखो जी कौन सी है, वाओ, उतारो जी। ओहो क्या हुआ, जूस लग गया। चलो उतारे इसको, यहाँ से ऐसे पकने जी, नहीं यहाँ से, वाओ वाह 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 वाह, देखूं वो आगे देखो, ये ठहरो, ये इधर देखो, ये वाओ, चले जी इसमें डालें जी, इसमें डालें, इसमें ये वाली तोड़े जी। ओहो माशाल्लाह वाओ, नहीं ये छोटी है, इसको छोड़ दें, ये बड़ी वाली, इसको ये इसको पकड़े, इधर से आपने पकड़ना है, इधर से, ठीक है, इधर से चले। ओहो ओहो डालें जी, डालें जी, और डालें, और दोनों हाथों से डालें, इस हाथ से भी पकड़ लें, इस हाथ से भी पकड़ें, ऐसे, ये बस बस जी। नाज़रीन ये देखें, अभी भी इसके ऊपर फूल खिले हुए हैं और खिल भी रहे हैं, और साथ फ्रूट भी बनने के लिए जो है वो तैयार हो रहा है स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ मराहिल में। थोड़ा सा अगर आप नीचे नज़र दौड़ाएं आपको ये देखें, कच्ची स्ट्रॉबेरी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगी, और ये पकने को आलमोस्ट तैयार है। और इस तरफ ये आप इसको आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये देखें
माशाल्लाह। मेरे हाथ जो हैं ये देखिए, इनका रंग भी जो है सुर्ख हो गया है। इसको भी तोड़ते हैं। माशाल्लाह ये देखें, कोई डर खौफ नहीं है जी कि इसके ऊपर कोई गंदगी है या कोई मुजर सेहत कोई चीज़ है इसके ऊपर। तो चलें इसको मैं टेस्ट करता हूँ। देखें बिल्कुल सुर्ख कलर की है और पकी हुई है माशाल्लाह। ये देखें, वाह, आज बारिश हुई है रात और इस बारिश की वजह से टेम्परेचर भी बहुत मुनासिब है आज, और इसीलिए ये गर्म नहीं हुई है। देखें माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। और देखें जी, जब भी आप काश्तकारी करते हैं, जब नेचुरल प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, तो उसका जायका फिर ऐसा ही हुआ करता है। मज़ा आ रहा है आपको, है ना? जी मैं भी खाता हूँ जी। अब मुझे मेरी बेटी कह रही है जी, ये मेरी नवासी है जी मायरा, और ये अब मुझे कह रही है कि नाना आप भी खाएं। तो ये देखें जी, इतनी प्यारी स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह। और अभी अभी इसको हमने तोड़ा है, इतनी ज़्यादा इकट्ठी की हैं। मज़ा आ रहा है ना, क्लैपिंग कर दें, वाह मज़ा आ गया जी। वाह मज़ेदार। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इसको इधर रखें। नहीं जी, ये नाना को बड़े साइज़ की देगी। वाह सही है, ये साफ़ सुथरी हैं जी। और जो सबसे मज़े की बात ये है कि ये ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक इस तरह की, किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं हुआ इसमें और कोई स्प्रे नहीं इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल कुदरती तरीके से ये जो है पैदा हुई है, यानी इसका फ्रूट जो है वो नेचुरल प्रोसेस से ही इतना, माशाल्लाह देखें इसका इतना अच्छा साइज़ और ये बना है। इसलिए हमें कोई भी डर खौफ नहीं है कि इसको हम बहुत ज़्यादा धो के खाएं, या इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए मेरी बेटी जो है वो मज़े मज़े से खा रही है और साथ मुझे भी कह रही है कि नाना आप भी खाएं। और इसका जायका मैं गारंटी से कहता हूँ जी कि इसमें खटास नहीं है, मीठा है। मीठा उस तरह का नहीं है कि मैं कहूँ जी कि बहुत शीरे की तरह मीठा है। स्वीटनेस है इसमें बहुत ज़बरदस्त। और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की स्ट्रॉबेरी ऑर्गेनिक फर्स्ट टाइम ली है। हम जब भी मार्केट से लेते हैं तो उसमें खटास होती है, तुर्श होती है वो, लेकिन ये मेरी बेटी धड़ाधड़ लगी हुई है खाने को। इसका आप मुँह देखें, इसको कोई परवाह नहीं है, नाना के साथ लगी हुई है, मज़े मज़े से खा रही है। तो बहुत मज़ा आ रहा है जी, आज अपनी गुड़िया के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, क्या बात है आपकी। चलें जी उठाएं जी। ओह चलें जी, कहाँ जाना है? ओह चलें चलें। डाले ना वो। ओहो क्या हो गया, ओहो क्या हो गया, क्या हो गया जी। चलो कोई बात नहीं, चलें ये उठाएं, इसमें डालें, ये मैं उठा लेता हूँ। ऐसे चले, ऐसे ऐसे। ओह क्या हो गया, धूप लग रही है, हैं जी। चलें चलें, बस करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। चले फिनिश करें इसको, चले जी उठाएं जी। आहा मैं भी डालूं, चलो जी मैं भी डालता हूँ। ये जी, चले जी हम अपनी बास्केट भर लेते हैं, ठीक है जी। चले चले चले, ये वाओ वाओ, क्लैपिंग जबरदस्त। ये ये देखो कितनी जबरदस्त है। चलो जी, ये बस फिनिश, वाओ जबरदस्त। चलो जी खाए इसको, वाओ कितनी प्यारी है ये।
वाओ, ये देखिए जी कितनी स्वीट है ना? ओ, ये क्या हो गया? मजेदार। वाह मायरा जी, ये देखिए आप, वाओ ब्यूटीफुल। ये दो हैं, ये छोटी है, ये छोटी, ये बड़ी बड़ी उतारते हैं। ये आप इसको पकड़े, ठहर मैं बताता हूँ। ये इसको पकड़े आप, इधर से पकड़े, उतारते हैं, पकड़े इसको आप, इसको। वाओ लुक एट दैट ब्यूटीफुल। ये देखें जी, ये दिखाएं, ये कैमरे में दिखाएं। ये देखें जी कितनी प्यारी सी गुड़िया ने खूबसूरत स्ट्रॉबेरी अभी तोड़ी है। यस, मामा को दे दी। चलें, आ जाएं, चल आगे लेके जाएं इसको। चलो जी। वाओ, दूसरी भी उतारें जी। नहीं, ये खराब है, ठहरे इधर से। चलो और किधर है? ये ले। मामा के पास चलते। वाओ, ये देखो, ये और भी हैं। ये महाराज जी, ये देखो ब्यूटीफुल। वाह। ये लो। आप ये और लेना, और ले रखें, इसमें रखें। बस। चले जी, मामा के पास चलते हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज, वाओ। ये रेड कलर की है, ये वाली। ये अच्छा, ठीक है। नो। मामा के पास चलो। ये देखें जी, कितना खूबसूरत एक स्ट्रॉबेरी का फ्रूट। और ये देखें, लेकिन इसके ऊपर जो है वो परिंदों ने हाथ साफ किया है, सुबह नाश्ता किया है इन्होंने। ये देखें, है ये बहुत कह लें कि खूबसूरत भी है और पका हुआ है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये टोकरी हमने नहीं जी, ये मेरी जो नवासी है उसने ये सारी तोड़ी हैं, तोड़ के इस टोकरी में डाला है। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं जनाब, के यहाँ से स्ट्रॉबेरी को हम ख़त्म कर रहे हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, और उसके बाद फिर इसी फील्ड को हम जो है तैयार करके यहाँ अदरक काश्त करेंगे। पहले भी काफ़ी ज़्यादा अदरक यहाँ काश्त है, तो इसको भी हम अदरक फार्म में, अदरक की फील्ड में हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। तो अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।